Hello, in this video we will see another TCP protocol solution which is TCP bus. TCP bus ka matlab hota hai TCP with buffering capability and sequence information. Matlab buffering capability bhi hoti hai aur isme sequencing ki information bhi added hoti hai. Now it is very much similar to TCPF and TCPLFN. Bilkul unhi ki tarah hi kaam karta hai. Unki tarah karne ka matlab kya hai ki पाथ ब्रेक जब कोई एक नोड डिटेक्ट करती है तो वो सेंडर को नोटिफाई करती है. बट इसके अंदर कुछ डिफरेंस था एंड इट इज़ यूज्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ टीसीपी इन एडॉक वायरलेस नेटवर्क. डिफरेंस जो है वो अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे. बट द ऑपरेशन इज़ हाईली डिपेंडिंग ऑन द ABR. ABR का मतलब होता है एसोसिएटिविटी बेस्ड राउटिंग. तो जो इसका ऑपरेशन है वो किस पे बेस्ड है? एसोसिएटिविटी बेस्ड राउटिंग. ठीक है, सो इसके ऊपर बेस्ड है इसका पूरा जो मैकेनिज्म है. एंड इन दिस द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजेस आर बेसिकली ट्रांसमिटेड, या इन दो डिफरेंट टाइप के मैसेजेस को कैरी करता है राउटिंग प्रोटोकॉल. एक होता है मैसेज अबाउट द TCP कनेक्शन कि TCP कनेक्शन ब्रेक हुआ, पाथ ब्रेक हुआ या नया TCP कनेक्शन का पाथ बना. एंड सेकेंड द इम्पॉर्टेंट दैट इज सेगमेंट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सो बेसिकली दो टाइप के मैसेजेस को ये कैरी करता है, TCP कनेक्शन एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन. देन टू सेंड द मैसेज अबाउट द पाथ ब्रेक, ERDN मैसेज इज यूज्ड विच इज एक्सप्लिसिट रूट डिसकनेक्शन नोटिफिकेशन. एक्सप्लिसिट रूट डिसकनेक्शन नोटिफिकेशन कि अगर पाथ ब्रेक हुआ तो ERDN मैसेज जाएगा, और अगर पाथ रीस्टेब्लिश हुआ तो कौन सा जाएगा? ERSN मैसेज. सो ERSN का मतलब क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट रूट सक्सेसफुल नोटिफिकेशन. हाँ सॉरी, एक्सप्लिसिट रूट सक्सेसफुल नोटिफिकेशन. ठीक है, सो अब देखो इसमें जो सेगमेंट की इंफॉर्मेशन है, सेगमेंट की इंफॉर्मेशन को बताने के लिए दो डिफरेंट मैसेजेस का यूज होता है. एंड दोज मैसेजेस आर LQ एंड रिप्लाई. सो LQ और रिप्लाई का यूज़ कहाँ पे होता है? जब आप सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन की बात करते हो. सो अब देखो इसमें होता क्या है. LQ के अंदर क्या होता है? LQ पैकेट कैरीज द सीक्वेंस नंबर ऑफ द सेगमेंट एट द हेड ऑफ द क्यू. सो सीक्वेंस नंबर ऑफ द सेगमेंट एट द हेड ऑफ द क्यू. एट PN. PN का मतलब होता है पिविट नोड. अभी देखेंगे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा. और रिप्लाई मैसेज क्या कैरी करता है? इट कैरीज द सीक्वेंस नंबर ऑफ द लास्ट सक्सेसफुल सेगमेंट एट TCP बस रिसीवर, या आप कह सकते हो सिंपल रिसीवर. ठीक है, सो अब देखो होता कैसे, पूरी वर्किंग कैसे होती है. सो लेट अस से हमारे पास कुछ नोड्स हैं. सो मैं कुछ नोड्स बना लेता हूँ. लेट अस से एक ये नोड है ए, एक ये नोड है बी, देन वी हैव अ नोड सी, डी एंड ई. और इन सारी नोड्स के बीच में नेटवर्क कनेक्शन है कुछ इस तरह से. सो दीज आर द नोड्स. ए हमारा सोर्स है, सी हमारा डेस्टिनेशन है. ठीक है, और जो ट्रांसमिशन हो रहा है स्टार्टिंग में, वो ट्रांसमिशन हो रहा है कुछ इस तरह से, ए से बी और बी से सी. ठीक है, अब सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट
लेट अस से ये पाथ ब्रेक हो गया. सो व्हाट हैपेंस हियर, पाथ ब्रेक. अब पाथ ब्रेक हुआ तो जो नोड डिटेक्ट कर रही है पाथ ब्रेक को, दैट नोड इज कॉल्ड एज द पिवट नोड, या जिसको हम बोल देते हैं पीएन. और ये पिवट नोड वापस सेंडर तक कौन सा मैसेज भेजेगी, ERDN मैसेज, ERDN मैसेज. नाउ अपॉन रिसीविंग द ERDN मैसेज द सोर्स फ्रीजेस, सोर्स फ्रीजेस एंड स्टॉप ट्रांसमिटिंग मोर पैकेट्स. सो जैसे ही ERDN मैसेज रिसीव हुआ, सोर्स फ्रीज हो गया और कोई भी पैकेट आगे नहीं भेजा गया. अब देखो यहाँ पे जो बफरिंग की बात आ रही है वो क्या है, जैसे ही इसने डिटेक्ट किया कि कुछ पाथ ब्रेक हुआ है, बी विल बफर द पैकेट्स. मतलब कि जो पिविट नोड है उसमें कुछ पैकेट्स बफर में हैं. सो लेट अस से बी के अंदर जो पैकेट्स की सीक्वेंसिंग है बफर में, वो कुछ इस तरह से है, 6, 7 एंड 8, 8 हेड पे है. और जो डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं वो कौन कौन से पहुंच चुके हैं, 1, 2, 3, 4 और 5. ठीक है. सो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि इसने तीन पैकेट्स को यहाँ पे बफर में रख लिया है, तीन सेगमेंट्स को यहाँ पे बफर में रख लिया बी ने. अब पहली बात तो क्या हुई कि जैसे ही पाथ ब्रेक हुआ, ERDN मैसेज भेज दिया, सोर्स ने सब कुछ अपना फ्रीज कर दिया, अब वो कुछ भी पैकेट्स आगे नहीं भेजेगा. देन व्हाट हैपेंस इज दिस पिविट नोड विच इज बी, इट विल सेंड अ रूट नोटिफिकेशन पैकेट टू ऑल द अदर डाउनस्ट्रीम नोड्स. मतलब कि वो ई तक कोई पैकेट भेजेगा, डी तक कोई पैकेट भेजेगा एंड ऐसे ही सी तक कोई पैकेट भेजेगा फॉर द ऑल्टरनेट रूट. दिस इज रूट नोटिफिकेशन पैकेट. ठीक है. नाउ वंस द रूट नोटिफाइज, या फिर ई ने रूट नोटिफाई कर दिया फॉर एग्जाम्पल कि ठीक है मेरे पास सी तक जाने का रास्ता है, तो क्या होगा, बी विल सेंड बैक ERSN पैकेट, बी विल सेंड ERESN पैकेट टू द सोर्स और ए को बताएगा कि ठीक है मेरे पास सी तक जाने के लिए एक रूट है. नाउ व्हाट हैपेंस इज ए विल नो दैट देर इज अ रूट वाया ई टू सी, बट ए को ये नहीं पता, या ये नहीं पता ए को कि कब कहाँ से मुझे पैकेट भेजने अब दोबारा, क्योंकि देखो बी के पास कौन कौन से पैकेट्स थे, 8, 7, 6 और डेस्टिनेशन के पास कहाँ तक पहुँच गए, 5. सो ए एंड बी विल एक्सचेंज द LQ रिप्लाई मैसेजेस, जिससे कि ए को पता लग जाएगा कि ठीक है बी ने कहाँ तक बफर करके रखा हुआ है, 8 तक, और डेस्टिनेशन पे कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 5 तक. क्योंकि देखो LQ क्या भेजेगा, हेड ऑफ द सेगमेंट एट द क्यू एट PN, हेड पे क्या, 8. रिप्लाई में क्या जाएगा, लास्ट सक्सेसफुल सेगमेंट कौन सा था, 5. सो ए को पता है कि 5 तक पहुंच गए हैं और 8 तक बफर में है, तो ए अब दोबारा कहाँ से भेजना शुरू करेगा, सीक्वेंस नंबर 9 से. सो द न्यू पाथ विल बी ए टू बी, बी टू ई एंड देन ई टू सी. सो दैट इज हाउ दिस TCP बस विल वर्क. सो ERDN कब भेजते हैं, जब आपको पाथ ब्रेक का पता लगता है. ERSN कब भेजते हैं, जब हम पाथ को दोबारा से रीएस्टेब्लिश कर लेते हैं. और LQ और रिप्लाई पैकेट का जो मेन यूज़ है, डेट इज़ फॉर सेगमेंटेशन, कि कौन सी सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है, कहां तक पहुंच चुका है. देखो ERDN और ERSN तो जो पीछे के हमने पढ़े हैं TCPF, TCP/LFN उसकी तरह, बट जो डिफरेंस आया वो आया LQ और रिप्लाई के अंदर. सो दिस इज़ TCP बस. अब इसके एडवांटेजेस तो सिंपल हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रही है, देन वी आर अवॉइडिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द ऑलरेडी सेंड पैकेट्स. जनरली क्या होता है कि बफर में स्टोर नहीं होता, तो 8, 7, 6 को दोबारा से भेजेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे अवॉइड हो रही है. डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये हो गया, इट इज़ हाईली रिलायबल और इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द राउटिंग टेबल. राउटिंग टेबल पे इसकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है एंड द फेलियर ऑफ द इंटरमीडिएट नोड दैट बफर्स द पैकेट्स मे लीड टू लॉस ऑफ पैकेट एंड परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन. अगर बी ही आपका ख़त्म हो जाए इंटरमीडिएट नोड, तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं.
So this is TCP bus solution. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.